तो राम राम सही भाई, क्या हाल है भाइयों? आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज हमारे सामने है ऑल न्यू टाटा सफारी और इसके साथ आज हम छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, यानी कि एक हार्ड कोर ऑफ रोडिंग तो नहीं करने वाले हैं लेकिन एक ठीक ठाक ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। जितनी इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से ही ऑफ रोडिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी 4x4 के ऑप्शन में नहीं आती है। आप सबको पता ही है टाटा की जो पुरानी सफारी थी वो 4x4 के ऑप्शन में आती थी, लेकिन ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी कि इसके फ्रंट के टायर काम करते हैं। इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो इस गाड़ी का इंजन तो काफ़ी पेपी और रिस्पॉन्सिव है। इसमें आपको 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि 175 BHP के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन की जो पावर फिगर्स हैं उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ बात आती है वो आती है इसके ऑन हैवी परफॉर्मेंस की। ऑन हैवी परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी का अच्छा खासा है दोस्तों। बाकी अगर हम देखो आप देख सकते हैं इसमें ये हम गीली मिट्टी पे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करते हैं और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी दोस्तों ठीक ठाक है। 200 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अच्छा खासा है दोस्तों, यानी कि आप छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स या फिर छोटे मोटे डिवाइडर से आप गाड़ी उतार सकते हैं, इतनी पावरफुल गाड़ी है ये। कि इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है, हिल होल्ड असिस्ट भी आता है। अब आप देख सकते हैं ये एक छोटे से स्लोप पे गाड़ी चल रही है तो इसकी गाड़ी के टायर कैसे स्किड कर रहे हैं, तो इसी में दोस्तों 4x4 हमारा काम आता है। अगर यहाँ 4x4 गाड़ी में ऑप्शन होता तो ये एक झटके में गाड़ी चढ़ जाती बिना कोई रुकावट किए, लेकिन आप देख सकते हैं अब यहाँ पर गाड़ी रुक चुकी है। इसी की वजह से दोस्तों 4x4 गाड़ी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑफ रोडिंग में, बिना 4x4 के आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। जो नई सफारी है वो हार्ड कोर ऑफ रोडर तो नहीं है लेकिन इससे आप ठीक ठाक यानी कि छोटे मोटे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप ये हमारा छोटा मोटा ट्रैक है, जैसे कि थोड़ी सी गीली मिट्टी है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ रोड्स हैं, तो इसमें टाटा सफारी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगी। लेकिन जहाँ आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग की बात करते हैं तो इस गाड़ी के टायर स्लिप हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, या थोड़ा सा चीकड़ आया दोस्तों, यानी कि थोड़ी सी गीली मिट्टी आई तो इस गाड़ी ने ट्रैक्शन लूज कर दिया और ये गाड़ी स्किड करने लग गई। वहीं अगर यहाँ 4x4 होता गाड़ी में तो ये गाड़ी आसानी से दोस्तों पीछे वाले टायर भी काम करते और साथ ही साथ आगे वाले टायर भी काम करते। लेकिन दोस्तों 4x2 होने के बावजूद भी टाटा सफारी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जो टाटा सफारी है ना एक बहुत ही हैवी गाड़ी है टाटा हैरियर से दोस्तों, ये गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इंजन वही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों परफॉर्मेंस में टाटा हैरियर और नई सफारी के परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं फ़र्क दिखेगा आपको, क्योंकि हैरियर में सेम इंजन है और सफारी में भी सेम इंजन है और हैरियर का इंजन थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा क्योंकि उस गाड़ी का वेट कम है इन कंपेरिजन टू टाटा सफारी, क्योंकि टाटा सफारी का वेट ज़्यादा है इसी वजह से उस गाड़ी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम होगी। नहीं दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट गाड़ी का एक नंबर का कंफर्ट है। इतनी बड़ी गाड़ी हो जाने के बावजूद भी दोस्तों जो इसमें आपको छोटे मोटे गड्ढे हैं बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगे। स्लो स्पीड पे तो गाड़ी के गड्ढे महसूस नहीं होंगे, हाई स्पीड पे आपको थोड़े बहुत इसमें धचके महसूस लगने वाले हैं, बाकी इसमें स्लो स्पीड पे आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन है तो यहाँ पे टाटा सफारी ने ट्रैक्शन लूज़ कर दिया और गाड़ी के टायर देखो स्किड करने लगे, यानी कि घूमने लगे हैं आगे वाले टायर। वहीं अगर पीछे वाले टायर दोस्तों यहाँ काम करते हैं तो गाड़ी एक बारी में चढ़ जाती, लेकिन क्या करें इस गाड़ी में 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप गाड़ी को थोड़ा सा मोमेंटम में लेके आएँ, यानी कि थोड़ी सी स्पीड गाड़ी की मेंटेन करके पीछे से लेके आएँ और फिर एकदम गाड़ी को चढ़ा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गाड़ी थोड़ी स्पीड में आ रही है तो इसकी वजह से गाड़ी की फंसने की चांसेस थोड़ी कम हो जाती हैं। गाड़ी अगर ना रुके ना तो आराम से चढ़ जाती है, अगर आप स्लो स्पीड पर आ रहे हैं तो गाड़ी की फंसने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं अब गाड़ी थोड़ी सी बंदा मोमेंटम में लेके आएगा, एक दो बारी में आपको गाड़ी नहीं चढ़ेगी, लेकिन जब ये गाड़ी मोमेंटम में आएगी यानी कि थोड़ी सी स्पीड में आएगी तो देख सकते हैं आप ये गाड़ी आराम से चढ़ गई बिना किसी रुकावट के। तो यही दोस्तों टाटा सफारी की, तो यही था दोस्तों एक टाटा सफारी की ऑफ रोडिंग के बारे में आपको वीडियो शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।